महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप, आपका स्वागत एक बार फिर से। आज हम प्रोग्राम में दो विषयों की बात करने वाले हैं, उन विषयों की को गंभीरता को समझने की भी कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा जिन्हें हमने आज महासंग्राम 2024 में शामिल किया है वो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, जहां जम्मू में विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन और लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली की मांग की है। वहीं दूसरा मुद्दा जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ है, हिमाचल से जुड़ा हुआ है, जहां नवरात्र के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। उस मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी ये हम आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात जम्मू में विपक्ष के धरने की, दो तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं जम्मू में आज विपक्षी पार्टियों ने धरना दिया था, और उसके बाद आपको बता दें कि कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर बड़े नेताओं ने इस धरने से दूरी क्यों बनाई रखी। आपको याद होगा कि जब धरने देने को लेकर तारीख मुकर्रर की गई थी, धरना देने को लेकर उस वक्त महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सभी नेता मौजूद थे, लेकिन आज इस विपक्षी दलों के धरने में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के नहीं शामिल होने से कई सवाल जन्म लेते हैं। और दूसरा मुद्दा जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ, किसको मिलेगी जगह, इस पर सवाल बना हुआ है। तो चलिए पहले मुद्दे की सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी जम्मू में आज जो कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें देखने को मिली उसकी बात करेंगे। कई विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। ये धरना जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में दिया गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की गैर मौजूदगी की वजह से ये धरना फीका ही रहा। दोनों नेताओं के धरने में नहीं आने की वजह का पता अब तक नहीं चल सका है, लेकिन आज के धरने में कांग्रेस के विकार रसूल वानी, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे नेताओं ने भाग लिया। उन सभी नेताओं ने बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और अन्य चुनाव कराने की मांग को दोहराया है, और साथ ही साथ आरोप भी लगाया है कि भाजपा चुनाव से भाग रही है। तो आप धरना प्रदर्शन के स्थल की जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कुछ कुछ पोस्टर्स भी इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं। आप तादाद भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस धरना प्रदर्शन को मजबूत बनाने के लिए सभी पार्टियों के नेताओं के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जरूर नजर आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन वो धरना प्रदर्शन के स्थल से, धरना प्रदर्शन से गायब रहे। आखिर दूरी इन दोनों नेताओं, इन दोनों बड़े नेताओं की तरफ से क्यों इस धरना प्रदर्शन से बनाई गई, ये अहम सवाल उठता है। क्योंकि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली को वापस लाने की बात, बहाली की बात ये तमाम विपक्षी दल करते हों और उस तारीख को मुकर्रर करते हों जिस दिन इन सब को एक साथ होना है और बड़े नेता इस धरना स्थल में शामिल नहीं हो, तो कई सवालों को जन्म देता है। आइए आपको सुनाते हैं इस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई नेताओं के जरिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है देख लेते हैं। हमारी तरफ से पहल का सवाल है, इनिशिएटिव का सवाल है कि कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर हम ये मुद्दा आवाम के सामने भी रखें और सरकार को भी ये मैसेज जाए कि हम जमहूरियत चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। इसी वजह से हमने मुनासिब समझा एक साथ मिलकर हम यहाँ इस हिस्टोरिक शहर में बैठकर एक मैसेज भेज दें अहले इक्तदार को भी और अपने हम वतनों को भी। सदम है अपोजिशन में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग, जिनको शायद जम्मू कश्मीर का अमन, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कुछ अपोजिशन के सियासतदानों को शायद हाजम नहीं होती है। अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि यहां हंगामा मचा रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं।
तो आप सुन रहे हैं नेताओं की बातें। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों की तरफ से जो धरना दिया गया, आप रविंद्र रैना को सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विपक्षी नेता साजिश रच रहे हैं। तो विपक्षी दलों की तरफ से लगातार बीजेपी पर पलटवार किया गया और कहा गया कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली को दूर रख रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रही, अधिकार नहीं दे रही, इन पूरे मुद्दे पर। और धरना आज क्या कामयाब रहा विपक्षी दलों का, किन मानों में देखा जाए, किस तरह से इस धरने को देखा जाए, तमाम तरह की तफसीलात लेंगे। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर, हमारे साथी मनोज कौल जुड़ रहे हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मनोज कौल। और मनोज कौल आज के धरना प्रदर्शन के हवाले से हमें जानकारी देंगे। मनोज कौल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आज विपक्षी दलों का धरना था जम्मू में, क्या इसे कामयाब माना जाए या नहीं, क्योंकि दो बड़े नेता इस धरना स्थल में पहुंचे ही नहीं। देखें, जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन किया गया था और उसमें अगर हम देखेंगे कि जो अटेंडेंस थी, जो बाकी लीडर्स थे उनकी अच्छी खासी अटेंडेंस थी, वर्कर्स भी काफ़ी अच्छी संख्या में वहाँ मौजूद दिखे हमें। जितना इंतजाम किया गया था, यानी जितनी इन लोगों को उम्मीद थी कि इतने वर्कर्स आएंगे, उतने वर्कर्स और लीडर्स आए थे और सभी लीडर्स ने यही डिमांड वहाँ पर करी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करना चाहिए, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको रिवाइव करना चाहिए। यानी साफ तौर पर यह था कि इलेक्शन जाना चाहिए, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे वो पंचायत के हों, यूएलबी के हों। क्योंकि पिछली बार जब मीटिंग हुई थी सना, तो उस वक्त ये बताया गया था कि जितने भी लीडर्स हैं ये सब लीडर मिलजुल के एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तारीख आज तय की गई थी। तो आज जैसे सुबह से भी ये खबरें गश्त कर रही थी कि इस धरना प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होंगे, महबूबा मुफ्ती होंगी जो पीडीपी के प्रेसिडेंट हैं, वकार उसुलवानी होंगे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सीपीआईएम के जो सीनियर लीडर हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, वो भी रहेंगे। हमने देखा कि वकार उसुलवानी और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी तो वहां दिखे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नहीं दिखी। काफी देर तक जब इंतजार किया गया तो उसके बाद ये पता चला कि वो इस प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं। तो उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि वहां लोग भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जब ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें महबूबा मुफ्ती भी बैठी थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बैठे थे और उन्होंने उस समय यह कहा था कि ये जो प्रदर्शन है वो संयुक्त प्रदर्शन होगा और सारे लीडर्स जो हैं उसमें शामिल होंगे। आखिर फिर क्या वजह रही कि वो यहां नहीं थे? हालांकि जब ये सवाल हमने कई लीडर्स से पूछा तो उन्होंने अलग अलग बयान दिए। एक ये कहा गया कि जो परमिशन था इस धरना प्रदर्शन के लिए वो देरी से दिया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नहीं आ पाई। दूसरे लीडर ने यह कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक पेच अभी भी फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक ऐसी जो ये जो दो विभिन्न पार्टियां हैं, क्योंकि ये दोनों जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे सना, तो इनका जो कॉमन ग्राउंड है, जो कॉमन ग्राउंड ये है कि वो कश्मीर वैली में मैक्सिमम प्रेजेंस इन दोनों पार्टीज की है। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो जम्मू डिवीजन में है, चाहे वो पीर पंचाल हो या जो एरसवाइल जिसको चुनाव वैली कहते हैं, वहां पर भी इनकी प्रेजेंस है, लेकिन मेन इनका जो स्टेक है वो कश्मीर वैली के अंदर। और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी तकरार है, कहीं ना कहीं अभी भी टकराव है। हालांकि कोशिश ठीक है, आप इसे टकराव की स्थिति का नाम दे रहे हैं। मनोज को एक और बात समझना चाहेंगे, जब बड़े लीडर को कार्यकर्ता अपने दरमियान नहीं पाते हैं, जब ये बड़े लीडर जब अगुवाई करते हुए धरना प्रदर्शन की तारीख मुकर्रर करते हैं और वही बड़े लीडर अगर धरने में शामिल नहीं होते तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को उतना बूस्ट नहीं मिल पाता है, तो ये तो देखने को मिला होगा आज। जी बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि जैसे जो पहले जो लीडर्स थे, दूसरे या तीसरे दर्जे के जो लीडर्स वहाँ पे ये पार्टीज के थे, चाहे एक्स मिनिस्टर्स थे, लेजिस्लेचर्स थे या फिर कॉरपोरेटर्स वगैरह थे, जब वो भाषण दे रहे तो पूरा जो शामियाना था वो खचाखच भरा हुआ था। यानी 2 से 3 हज़ार के बीच में वहाँ भीड़ जो इन्होंने इकट्ठी करनी थी वो हो चुकी थी और वो सुन रहे थे। और उसके बाद से जब ये खबरें फैलने लगी मीडिया की जानिब से है कि महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं आ रहे हैं, हमने देखा कि लगभग 30 से 40% लोग धीरे धीरे करके वहां से सरक गए। यानी एक वहीं पर एक मैसेज
शायद उनको तक पहुंच गया कि जो सीनियर लीडर जिनको वो सुनना चाह रहे थे, जो उन्हें जो उम्मीद थी, उनको ऐसा जो लग रहा था कि शायद यहाँ पे यूनिटी हुई है या ये लोग एक साथ आए हैं, वो एक साथ आगे बढ़ेंगे, वो वहां देखने को मिला जब लोग वहां से धीरे धीरे सड़कने लगा कि 60-70% लोग जो थे वो लास्ट तक वहां पे मौजूद रहे। लेकिन एक मैसेज उन वर्कर्स के बीच में भी ये गया कि जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में कहीं ना कहीं अभी भी दूरियां हैं, और अगर वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ऐसा वो एक साथ हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो जिस तरह के उनके बयान लेकिन ये कई सवालों को इन दोनों नेताओं का धरने में नहीं पहुंचना कई सवालों को जन्म देता है। इसीलिए हमने प्रवक्ता को भी, लीडर को भी बुलाया है। पीडीपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्वाइन करने के लिए। न्यूज 18 जेकेएलएच को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपको आवाज मिल पा रही होगी। मनोज कौल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। आदित्य जी आपको आवाज मिल पा रही होगी तो इशारे करिएगा। मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि अभी हम धरने के हवाले से ही बातचीत कर रहे हैं, आज दो बड़े नेता, एक तो एनसी के फारूक अब्दुल्ला, दूसरी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तारीख मुकर्रर की जा रही थी, उस दिन तो सभी आज के धरने में शामिल होने की बात कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, लेकिन ये दो बड़े नेता आज धरना स्थल से गायब रहे, ये कहना गलत नहीं होगा, नहीं गए किसी वजह से, कारण आपको पता होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस धरना प्रदर्शन को कामयाब मान सकते हैं? आदित्य साहब आपकी ऑडियो नहीं आ रही, एक सेकंड, म्यूट होगा शायद, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अभी आपने म्यूट किया है, अनम्यूट करिए, तब तक आदित्य साहब हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मनोज कौल, ये जो दूरियों वाली बात अब होने लगी है, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो बात, उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात जो हुई, उन्होंने कहा है कि हमने तो अपनी राय रखी है सीट शेयरिंग के मामले को लेकर, जब लोकसभा चुनाव होंगे। आदित्य साहब आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज कौल साहब और आपके पास मैं आऊं, मनोज कौल साहब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। तो महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि जम्मू में विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या उसे कामयाब माना जाए या नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष सदर महबूबा मुफ्ती इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। तो क्या कुछ दरारें हैं इन दोनों पार्टियों के बीच, ऐसे सवाल जन्म लेते हैं। अगर इन दोनों नेताओं की तरफ से धरने में शमूलियत इख्तियार नहीं की गई, तो क्या जो बूस्ट मिलना था कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिला या नहीं मिला, आज इसी कई सवालों के साथ हम मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ अब से कुछ देर पहले जुड़े हुए थे आरएस पठानिया साहब भी जुड़ चुके हैं और आदित्य साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आरएस पठानिया साहब प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत करते हैं। आदित्य साहब आपको आवाज मिल पा रही होगी तो मैं आपसे ही सवाल लेना चाहती हूं, आज का धरना प्रदर्शन क्या ये माना जाए कि ये कामयाब रहा या नहीं, वो इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस धरने में शामिल नहीं हुई, वजह क्या रही? आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से आप अनम्यूट या म्यूट करके देखिए। ऐसा है कि पहले नमस्कार सना जी आपको, नमस्कार। और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये आज का जो धरना था वो सफल रहा नहीं रहा, मैं आपको साफ बताता हूँ कि ये सफल रहा, और यही बात आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की थी, जो वहां पर आए थे, उन्होंने खुद देखकर आपको बताया कि वहां पर हजूम बहुत था, लीडरशिप थी वहां पर, लोग वर्कर थे और लोग आए थे। महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास ये धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसकी फाउंडेशन जिसकी जो इनॉग्रेशन थी वो महबूबा मुफ्ती मैडम ने एज बतौर चीफ मिनिस्टर ही की थी। तो ये सक्सेस। आदित्य साहब अपनी बात रखें। जी तो ये बात बड़ी साफ थी कि ये धरना प्रदर्शन जो है ये सक्सेसफुल था, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन को ये नहीं था कि इट वाज नॉट अ शो ऑफ द ऑफ नंबर्स, इट वाज इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक शो था जिसमें हम ये कहना चाहते थे कि हम सब सियासी पार्टीज अपनी
पर्सनल गेन्स को पीछे रखकर हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रिस्टोर किया जाए। डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जब हम कहते हैं तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको आजादी होनी चाहिए बोलने की, आपको इलेक्शन में कंटेस्ट करने की या उसमें इलेक्शंस होनी चाहिए। अब आप देखें 30 सितंबर तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि हर चीज के लिए वो तैयार बैठे हैं, रोल्स रेडी हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और टेंटेटिवली क्योंकि दिसंबर मिडिल में जाकर टेन्योर्स खत्म हो जाने थे तो वो इलेक्शन के लिए रेडी थे, पार्टीज भी रेडी थी, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके सरपरस्त दिल्ली में बैठे हुए हैं। एक सवाल सीधे तौर पर ये कि आखिर दोनों नेता क्यों शामिल नहीं हुए? मैडम वहीं पर आ रहा हूँ आपको, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट बिकॉज़ इट वाज आवर शो, क्योंकि बहुत वक्त जाया हो चुका है ना आदित्य साहब, कई बार आप म्यूट था अनम्यूट था, मुद्दे पर आते हैं, प्लीज बात करेंगे। बात सीधी है कि एक तो एज फार एज पीडीपी इज कंसर्न आई विल रेफर विद रिगार्ड टू मैडम महबूबा मुफ्ती ओनली, एक तो परमिशन लेट आई थी, देन शी हैड टू ट्रेवल बाय रोड, उनकी थोड़ी सी सेहत थोड़ी इतनी परफेक्ट नहीं थी टू ट्रेवल ऑन और फॉर अ 6 hours जर्नी बिकॉज शी हैड टू रीच इन दैट केस बाय 9:30-10, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को सब साफ सा पता था कि श्रीनगर से पहली फ्लाइट 11 बजे निकलती है, तो इन एनी केस अगर फ्लाइट लेकर आते तो 12:15 हो जाते, दैट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज द धरना प्रदर्शन टाइम वॉज 10 o'clock। तो ये जब एडमिनिस्ट्रेशन अब डीसी और डीसी साहब या डिविजनल कमिश्नर अपनी मर्जी से चलते नहीं, वो एलजी साहब के चलते हैं, और एलजी साहब किसके इशारों पे चलते हैं, वो बीजेपी के वहां होम मिनिस्ट्री से चलते हैं, तो इसके अंदर कोई देयर इज नो पॉलिटिक्स एज सच, इट वाज सिंपल, इट वाज अ धरना प्रदर्शन जिसमें पीडीपी और शायद एनसी के प्रवक्ता भी होते, लीडर होते, तो वो यही बात कहते जो बात अभी आदित्य साहब कहते हुए देखे गए। उनका ये मानना है सीधे तौर पर कि जो दो बड़े नेता खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो नहीं पहुंच पाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इंतजामिया की तरफ से जो परमिशन मिला था वो लेट मिला था। इसका मतलब ये है कि बीजेपी इस धरना प्रदर्शन को कामयाब नहीं होने देना चाहती थी, ये आरोप लगा रहे हैं। और क्या धरना प्रदर्शन कामयाब रहा आपकी नजर में? सबसे पहले सबको आदाब नमस्कार। मैंने एक कंसिडर्ड स्टैंड आपके चैनल में भी लिया और मैं फिर उसे रिपीट करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी, उसकी एक विचारधारा, उसका एक स्टैंड पॉइंट, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन, उसका एक घोषणा पत्र, उसका एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं मूविंग्स पार्टी की, अलग अलग विषयों पर विचार, एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल। अब जैसे कांग्रेस का ही देख ले, मैं पॉइंट से एक सेकंड के लिए डिफ्लेक्ट करूंगा कि कांग्रेस इज नाउ ए पार्ट ऑफ इंडिया, और कांग्रेस की मेंडिकेंसी देखें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कल जो इजराइल पे गाजा वाला जो हमास वाला जो हमला है उसे भी क्रिटिसाइज करने से कांग्रेस परहेज कर गई। कांग्रेस ने पैलेस्टीन के एक पैक्टफुल जिसे कहते हैं सेटलमेंट की और उनके डेमोक्रेसी की बात की है। तो ये जो जम्मू कश्मीर में बात करें, पहले पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन, अब इंडिया के नाम पे जितने भी दल इकट्ठे हैं। नहीं, धरना प्रदर्शन के हवाले से सवाल है, आप कहां उधर पैलेस्टीन पे चले जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। मेरा सवाल सीधे तौर पर ये था कि इंतजामिया ने आखिर इन्हें परमिशन लेट क्यों दिया, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि और एलजी साहब बीजेपी के इशारे पर चलते हैं, ये आरोप लगा रही है। देखें किसी भी, मैं हालांकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का प्रवक्ता नहीं हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या relevant material on record, I cannot deliberate on it, लेकिन I can say it full surety कि इनको administration ने कोई भी ऐसी रोक या अड़चन, जैसे ये बहाने पेट दर्द, सिर दर्द, टांग में दर्द, वैसी बात absolutely not। ठीक है, तो आप कह रहे हैं प्रवक्ता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसी कोई रोक या अड़चन नहीं लगाई गई थी, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं, ये भी सवाल खड़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का, आयुष पठानिया साहब आपका और साथ ही साथ आदित्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ महासंग्राम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 18 JKLH। नमस्कार। दिवाली गिफ्ट के लिए थैंक यू जी।